हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है, और उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे आकर के जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे विजिट कीजिए। इग्नू एमकॉम आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोस है जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कॉमर्स की पाठशाला पे विजिट करना है, सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो बेल आइकन है उसे स्टार्ट कर देना है। और ये जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको दिखेंगे, इन सारे प्लेलिस्ट को आपको वन बाय वन वॉच करना है, ठीक है? साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं या फिर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और इग्नू एमकॉम में आने के बाद इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, 1 रुपए भी आपको नहीं लगेंगे। साथ ही साथ आपको लो कॉस्ट नोट्स मिलेंगे और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 हमारी तरफ से, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है? तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेरिएशन आखिर होता क्या है। तो देखो, वेरिएशन का मतलब होता है कि किसी के प्राइस में बदलाव, किसी चीज के प्राइस में बदलाव। जैसे कि सपोज किसी चीज का प्राइस जो है इस महीने 10 रुपए पड़ रहा है, अगले महीने वो 12 हो गया, फिर अगले महीने 15 हो गया, फिर अचानक से देखा गया कि उसका प्राइस घट करके 9 रुपए हो गया। तो ये जो वेरिएशन है ना, इसी को हम वेरिएशन बोलेंगे। जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है? तो ये जो वेरिएशंस होते हैं, इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना समय बर्बाद किए। उससे पहले मैं कह देता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर देखते हैं। So the measures of variability is useful in various situations. Let us make an example to understand the significance of variation. चलिए देखते हैं फिर। So a family intends to cross a lake. एक family जो है cross, मतलब यहाँ पे example के तहत समझाया जा रहा है कि एक family है जो कि lake को cross करना चाहती है, झील को cross करना चाहती है। They come to know that the average depth of the lake is 4 feet. उनको पता चलता है कि उनका जो average depth है, उस lake का, वो 4 feet का है, 4 feet गहरी है, ठीक है ना? कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 है, लेकिन 4 feet average है, ठीक है? So that the average height of the family is 5.5. अब जो family का जो average height है वो 5.5 है. Then they decided that the lake can be crossed safely. तो वो decide करते हैं कि चलो, इसका मतलब ये हुआ कि हम lake को बहुत ही आसानी से cross कर सकते हैं, है ना? Average क्योंकि lake का 4 है, इनका 5.5 है, 1.5 फीट ज्यादा ही है, तो ये लोग आसानी से जो है lake को cross कर सकते हैं. While crossing the lake at a particular place, all the members of the family get drowned where the level of water is more than 6.5 feet. समझ में आ रहा है? 4 फीट तो एवरेज निकाला था, लेकिन किसी किसी जगह पे होता है ना कि गड्ढा ज्यादा होता है, तो एक ऐसा गड्ढा उसी तरीके का मिल गया जहां पे जो जो डेप्थ था वो 6.5 फीट से ज्यादा था, तो सारे के सारे फैमिली मेंबर जो हैं वो सभी के सब जो है डूब गए, राइट? द रीजन फॉर ड्राउनिंग इज दैट दे रिलाई ऑन द एवरेज डेप्थ ऑफ द लेक एंड देयर एवरेज हाइट, बट डू नॉट रिलाई ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द लेक्स डेप्थ एंड देयर लेंथ एंड देयर हाइट. सही बात है, क्योंकि उन लोगों ने कंप्लीटली रिलाय किया किस चीज के ऊपर, एवरेज डेप्थ और एवरेज हाइट के ऊपर, जो कि उनका आया था. एवरेज डेप्थ था 4 और एवरेज हाइट था 5.5. उनको लगा कि वो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने जिस जिस चीज के ऊपर रिलाय करना चाहिए था उसके ऊपर उन्होंने रिलाय नहीं किया. वो था वेरिएबिलिटी ऑफ द लेक्स डेप्थ, है ना? जो वेरिएबिलिटी होगी लेक्स की, कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 6.5 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 3 है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ है, तो उस चीज के बारे में उन्होंने सोचा नहीं. और उनकी हाइट भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ऊपर नीचे करेगी, क्योंकि जब 6.5 हो जाएगा तो वो तो अंदर चले जाएंगे, जब 3 होगा तो उनका जो आधा शरीर है वो पानी में बाहर ही रहेगा. अब समझ रहे हो ना? तो ये जो वेरिएबिलिटी होती है इसके ऊपर उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया. So in light of the above example, we may understand the reason for measuring variability of a given data. So now let's talk about the real points जिसके जो कि significance है, इस topic का, जो कि है variation, है ना? सबसे पहला है to judge the reliability of an average. तो आप किसी भी एवरेज की रिलायबिलिटी को जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन. सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए वेरिएशन का इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि आप यहां से जज कर पाते हैं एवरेज जो होता है उसकी रिलायबिलिटी को, राइट? सो फाइनेंशियल एनालिसिस एग्जामिन द वेरिएशन ऑफ फर्म्स अर्निंग. तो फाइनेंशियल एनालिसिस जो होते हैं वो एक तरीके से जो फर्म की वेरिएशंस होती हैं उनको वो लोग एग्जामिन करते हैं. इफ अर्निंग्स आर वाइडली स्कैटर्ड, अगर अर्निंग जो होती है वो वाइडली स्कैटर्ड होती है, मतलब अलग अलग जगह से छोटी छोटी इनकम आ रही होती है, तो वो इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता,
है ना। सपोज एक कंपनी 5 जगहों पे काम कर रही है और 5 जगहों से उनको जो है थोड़ा थोड़ा इनकम आ रहा है, कहीं कहीं से ज्यादा आ रहा है, कहीं से कम आ रहा है, तो आईटी एक तरीके से फैला हुआ है, ठीक है, वो ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सपोज कोई ऐसा इनकम है जो कि एक ही जगह से कॉन्टिन्यूस बहुत अच्छा इनकम आ रहा है, तो वहां पे इन्वेस्टर को पता होगा ना कि भाई इस काम में कंपनी जो है अच्छी है, यहाँ पे अच्छा वो परफॉर्म कर रही है, राइट। तो इन्वेस्टर वहां पे शांत रहता है। लेकिन इस केस में जब स्कैटर्ड होती है, एक्सट्रीमली हाई टू लो एंड इवन नेगेटिव, स्कैटर्ड का मतलब देखो लिखा हुआ है एक्सट्रीमली हाई, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं कहीं पे कम है, कहीं कहीं पे है ही नहीं, तो उस केस में इन्वेस्टर का जो होता है बहुत ज्यादा रिस्क में होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि जो पैसे लगा रहा है वो ठीक तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से उसकी अर्निंग हो रही है, राइट। सो वेयर देयर इज अ वाइड स्कैटर्ड इन द डेटा, द मेजर ऑफ वेरिएशन, द मेजर ऑफ वेरिएशन गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना। तो जब ये वाइड वेरिएशन होता है, तो इस केस में जो मेजर जो जो एक तरीके से जो वेरिएशन है ना, वो हमें एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, जिसके जिसके जरिए हमें समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वेरिएशन हो रही है। इफ वेरिएशन इज स्मॉल, अगर देखा जाता है कि वेरिएशन जो है वो स्मॉल है, द एवरेज क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यूज एंड मे से इट इज रिलायबल। तो जो एवरेज होता है वो जो रिप्रेजेंट करता है, उसको बोला जा सकता है कि वो एक तरीके से रिलायबल है, अगर वेरिएशन स्मॉल है, वेरिएशन अगर बहुत ही कम है। लेकिन अगर वेरिएशन बहुत ही ज्यादा है, ऑन द अदर हैंड अगर वेरिएशन इज वेरी हाई, द एवरेज मे बी अनरिलायबल। तो जो एवरेज होता है वो अनरिलायबल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ना कि आपने कोई डिसीजन लिया और वेरिएबल एवरेज तो हमारा वेरिएशन तो हमारा बहुत ही हाई था, तो हमें समझ में नहीं आया कि प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा उस प्रोजेक्ट से, और आपको जो है लॉस ही हो गया। तो वेरिएशन अगर ज्यादा होगा तो आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, वेरिएशन कम होगा तो आपके फायदे होने के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप एवरेज को जज कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन। सो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक, टू कंपेयर सीरीज विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी। तो आप जो है सीरीज को, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज को आप कंपेयर कर सकते हो विद रिगार्ड टू द वेरिएबिलिटी, उनकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से आप सीरीज को जज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। सो मेजरिंग वेरिएशन एनेबल्स अस टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी बिटवीन द टू और मोर सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको समझो, सीरीज का मतलब एक ग्रुप, ठीक है ना, जैसे टाइम सीरीज आपने नाम सुना होगा, है ना। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बोला जा रहा है कि दो सीरीज है, सपोज एक में एक सीरीज है, दूसरे में दूसरी सीरीज है, दोनों में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, दोनों को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके वेरिएशन को चेक करना होगा, है ना, कि किस किस में कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है। इट इज यूजफुल टू स्टडी द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन डिफरेंट डेटा सेट्स, है ना। तो ये बहुत यूजफुल होगा अगर आप स्टडी करोगे उनके बीच की इन्फॉर्मिटी को, मतलब जो चीजें बराबर है दोनों में उसको, और जो कंसिस्टेंट डेटा है, जहां जहां से डेटा जो है बहुत ही कंसिस्टेंट आ रहा है, जो रिजल्ट है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, उसको एक तरीके से आपको जो है यहाँ पे कंपेयर करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डेटा सेट means low degree of consistency. अगर बहुत ज्यादा variation होगा आपके data में, इसका मतलब जो consistency है वो बहुत ही low है. Definitely, consistency का मतलब होगा कि आप continuous किसी चीज में बेहतर कर रहे हो, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा greater degree of variation होगा, मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, जो consistency है वो नहीं है। आज आपने 10 रुपए कमाए, अगले दिन आपने 5 रुपए कमाए, फिर 10 रुपए कमाए, फिर 15 रुपए कमाए, फिर 20 रुपए कमाए, फिर अचानक से 2 रुपए कमाने लगे आप। तो ये जो वेरिएशन है इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। तो इस केस में जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो बरकरार नहीं है, क्योंकि आप किसी दिन 5 कमा रहे हो, किसी दिन 10 कमा रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि लगातार सेम लेवल पे आप काम कर रहे हो, या फिर आप बढ़ रहे हो, घट नहीं रहे हो, बढ़ रहे हो, है ना। तो वो चीज इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड लो डिग्री ऑफ वेरिएशन मीन्स हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी देखा जा, हाई डिग्री में जो है हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी देखा जाता है हमारे लो डिग्री ऑफ वेरिएशंस में, है ना। तो लो डिग्री वेरिएशंस हमारे लिए ज्यादा सूटेबल होता है, वेयर एज जो हाई डिग्री वेरिएशन है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी इटसेल्फ, है ना। सो इट फैसिलिटेट्स टू डिटरमाइन द नेचर एंड कॉज ऑफ वेरिएशंस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेरिएशन इटसेल्फ, है ना। तो जब आपको पता चलेगा कि ये वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, और ये वेरिएशंस हो रहे हैं, तो आप उसकी रीजंस को पता करने की कोशिश करोगे कि भाई इसका रीजन क्या है,
है ना। तो जब आप रीजन को पता करने की कोशिश करोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको ठीक करने की भी कोशिश करोगे। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ये जो एक तरीके से डिटरमाइन करने में आपको हेल्प करता है कि किसी भी वेरिएशन के होने के, यू नो, हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन अगर हो रहा है तो वो किस रीजन से हो रहा है ना, और आप उन वेरिएशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ये आपको हेल्प मिलता है इस वेरिएशन के माध्यम से, है ना। क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स एनालाइज द वेरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जो क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक तरीके से वेरिएशन चेक करते हैं किसी भी क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट के बारे में, कि कोई अच्छी क्वालिटी की है तो उसमें इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है। हमेशा उसमें उसकी जो है बिक्री ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। इज आर द क्वेश्चंस दे विल पुट इन योर इन देयर माइंड, और इसका जो है आंसर्स वो लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अ ड्रग दैट मे बी एवरेज इन प्योरिटी बट वेरीज फ्रॉम वेरी प्योर टू हाईली इम्प्योर मे इंडेंजर लाइफ्स, है ना। सही बात है, कोई ड्रग है जो कि एक तरीके से, यू नो, उसका जो एवरेज है वो प्योरिटी है, कि प्योर है जो ड्रग है वो प्योर है, लेकिन मान लो, लेकिन उसका जो एक तरीके से जो पूरा का पूरा स्केल है वो डिफरेंट हो सकता है ना। हो सकता है कि वो किसी जगह पे प्योर हो लेकिन किसी जगह पे हाईली इम्प्योर हो, मतलब एकदम ही खाने लायक ना हो। अगर आप उस ड्रग को लोगे तो हो सकता है कि आपको, यू नो, डेंजर जो है आपको नुकसान हो सकते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिमाग में रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबिलिटी जो है एक तरीके से आपको हेल्प करता है ये चेक करने में कि आपका जो, यू नो, जो कंट्रोल है आप उसको कैसे करोगे, जो वेरिएंसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और क्यों होने रहे हैं पता करने के बाद आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, इस चीज में जो है आपकी हेल्प प्रोवाइड करता है वेरिएशंस, राइट। लास्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स, है ना। तो यहाँ पे जो अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स होते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए ये जो वेरिएशन है वो इस तरीके से आपको इनकरेज करता है, फैसिलिटेट करता है। मेनी एनालिटिकल डिवाइसेस इन स्टैटिस्टिक्स सच एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस ऑफ फ्लक्चुएशंस, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल ईटीसी आर बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ वेरिएशन। तो ये जितने भी सारे टेक्निक के मैंने आपको नाम बताए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, एनालिसिस ऑफ फ्लक्चुएशंस हो गया, ये सारी की सारी चीजें, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें जो है तभी हो पाएंगी, तभी आप इस्तेमाल करेंगे जब यहाँ पे आपको वेरिएशन को मेजर करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बेसिस पे आप जो है इन सारे चीजों को इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट, यू नो, रिजल्ट को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीके से जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं उनको ये फैसिलिटेट करता है, वेरिएशन जो है वो फैसिलिटेट करता है, ठीक है। सो कीपिंग इन व्यू द एवर पर्पस द वेरिएशन ऑफ डेटा मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। तो ये जो सारी चीजें आप कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो, ताकि ये जो वेरिएशंस है वहां से आपको जो है, यू नो, कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ पाए, उसके बेसिस पे आप जो है डिसीजन ले पाए, ऐसे कौन से डिसीजन जो कि आपकी कंपनी के लिए बेहतर होंगे, आप उन सारे डिसीजन को लेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेरिएशन, है ना। तो दीज आर द फोर, यू नो, चार ही है ना, हाँ, एक दो तीन चार, तो ये चार, यू नो, इंपॉर्टेंस है वेरिएशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसको आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो भाई प्लीज लाइक कर दो यार इसको, है ना, कमेंट करो। नहीं समझ में आया है तो क्या सही समझ में आया मुझे बताओ, किसी इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर अगर आपको वीडियो बनवाना है तो वो भी मुझे बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।